आई नो 3 इडियट्स की मिस्टेक्स पर बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं, पर इस वीडियो को कॉपी कहने से पहले पूरी वीडियो एक बार गौर से देख लेना, क्योंकि जितनी भी वीडियो 3 इडियट्स पर पहले बन चुकी है ना, उनमें से एक भी मिस्टेक इस वीडियो में मैंने नहीं डाली और सब ऐसी मिस्टेक्स है जो आपने पहले कभी देखी नहीं होंगी। तो अगर किसी ने इस वीडियो में से पुरानी मिस्टेक ढूंढ दी ना, तो उसके लिए इस वीडियो के एंड पर एक सरप्राइज है। फरहान को जब पता चला कि रैंचो आ रहा है तो हार्ट अटैक की एक्टिंग करके उड़ते प्लेन को दोबारा लैंड करवा दिया और भाग भी जाता है ये, पर ऐसे खाली याद कहाँ भागी जा रहा है। आमिर बाहर कोई कपड़े शपड़े का सूटकेस तो लेकर जाता है ना बंदा, पर अब इतनी भी का जल्दी के सवारी अपने ही सामान की जिम्मेदार नहीं है। यहाँ चित्तूर ने हिंदी डिक्शनरी खोली है, पर हिंदी का एक भी वर्ड नहीं लिखा है इसमें। ऊपर से ये सिर्फ एक बार उंगली करता है, उंगली लगाता है स्क्रीन पर तो ये पिक्चर लग जाती है। वाह भाई, इस सीन में ये बच्चा इन्हें टिप देता है की आज रात को अंडरवेयर बिना होल वाले पहनना, क्योंकि आज रात इनकी रैगिंग होनी थी और यार टिप पे देनी थी तो यही दे देता कि कच्चे लंबे पहन कर आना। आमिर पीछे इन तीनों ने लंबे कच्चे पहने हुए हैं तो वो बच गए ना, पर इन सबको तो लगता सुल्तान भैया बनना था। अब जब भी घड़ी में 2 बजते हैं तो वायरस सर के 7 मिनट के लिए रेस्ट का टाइम शुरू हो जाता है और पीछे अंकल शेव करने भी आ गए हैं, पर इस घड़ी में तो 2 बज गए हैं। पर वायरस के हाथ में जो घड़ी है उसमें नहीं बजे अभी तक, इनकी घड़ी में अभी भी 5 मिनट रहते हैं, पर जब ये उसी टाइम लेटते हैं तो फिर बजे इनकी घड़ी में अब 2। इसी ने पिया रैंचो को देखती है तो के पीछे जाती है, तो ये 2 लड़कियां, एक येलो शर्ट वाली और ग्रीन वाली, पिया के पीछे है और दूसरी तरफ जा रही हैं। पर जब पिया रैंचो को पीछा करती है तो ये दोनों तो आगे से आ रही होती हैं, और जैसे रैंचो को पकड़ती है तो ये दोनों लड़कियां फिर से आगे से आ रही हैं। अब यार ये लड़कियां का टाइम ट्रेवल कर रही है हर सेकंड बाद, और पिया इस चीज की रियलिटी जानने के बाद इसकी घड़ी इसे वापस दे देती है की आप इस घड़ी के लिए कोई और हाथ ढूंढ लो, पर मूवी के एंड पर तो फिर इससे शादी कर रही होती है ये। रैंचो स्कूटर में हॉस्पिटल के अंदर आ गया और इसे किसी ने रोका भी नहीं। यहाँ पिया के लिप्स नहीं हिल रहे, पर आवाज आ रही है बोलने की। नहीं नहीं, आप लोग खुद ही सुनो जरा, है ना तुम लोगों का, फिर से सुनो, है ना तुम लोगों का, तुम लोगों का, तुम लोगों का जादू। आजकल के पेरेंट्स की जोनी भैया से एक रिक्वेस्ट, बहुत आगे बढ़ेगा, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। अब ये वीडियो अपने ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो जोनी भैया का इतना बड़ा फैन है कि बाद में ऐसा हो जाएगा। Oh no! यहाँ कैमरामैन इन सब की ले रहा है, I mean, ग्रुप फोटो ले रहा है, पर नीचे ये साइन रिकॉर्डिंग का आ रहा है जैसे वो वीडियो बना रहा हो। और जब प्रेजेंट स्टोरी में ये लोग रैंचो के घर आते हैं तो रैंचो है ही नहीं, मतलब ये रियल रैंचो है। और इस रैंचो ने वो कॉलेज की ग्रुप फोटो को एडिट मार के खुद को अंदर डाल लिया। पर वेट, अगर हम गौर करें तो इस वाली फोटो में इस लड़के के हाथ ऐसे है जबकि पुरानी वाली में ऐसे थे, और इस लड़के का हेड एकदम स्ट्रेट है जबकि पहली वाली में लेफ्ट साइड पर डन हुआ था। और यही पिक्चर जब इस एंगल से दिखा रहे हैं तो ये वाले रैंचो का जो साथ ये चिरकुट बैठा हुआ है ना, वो अपने दांत दिखा रहा है, पर जब कैमरा जूम मारता है तो भाई लोग इसका मुंह तो बंद है। अबे अबे ये तो हॉरर सीन हो गया। दया, विकराल गबराल को बुलाओ, दया राजू को सही करना है। आई हैव एन आइडिया। ओए राजू, अबे राजू यार उठना यार, अच्छा यार पबजी खेलेगा, पबजी 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 पबजी। यहाँ रैंचो अपनी साइंस लड़ा के स्पून में करंट लगाकर नीचे रखता है, और जो बाहर लड़का सूसू कर रहा है उसे करंट लग जाता है, और यार ये सूसू करता करता ही अपने चिरकुट को अंदर डाल के नीचे गिर जाता है। पर जब कैमरा दूर से दिखाता है तो इसकी पैंट तो कहीं से इतू से भी गीली नहीं हुई, क्योंकि यार सूसू करते करते इसने अंदर डाला था तो सूसू तो पैंट में गिरा तो पक्का होगा ना। और ये वायर इतनी सी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ शुरू होती है और यहाँ खत्म। पर रैंचो इस तार को पकड़ के कमरे से इतनी धूल ले गया। एस्ट्रोनॉट्स पेन है, स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन कुछ नहीं चलता, तो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ऐसा पेन इजाद किया जिससे कोई भी टेम्परेचर, जीरो ग्रेविटी में हम लिख सकते हैं। यहाँ मिस्टेक कहाँ है वो मैं नहीं, आप भी नहीं, बल्कि रैंचो भैया ही बताएंगे, क्योंकि मेरे माइंड में भी यही घंटी बजी थी के सर मेरा एक सवाल है सर, स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन चलता नहीं है तो पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, लाखों डॉलर बच जाते सर। वाह भाई सही खेल। रैंचो भैया भी लगता है फिल्मी सिंस की वीडियोस देखते हैं। क्या आपको पता है कि ड्रोन किसने इंट्रोड्यूस करवाया? नहीं तो मैं बताता हूँ, क्योंकि ड्रोन इंट्रोड्यूस किए सर महिंद्र सिंह जॉय लोबो ने, क्योंकि ये वाला ड्रोन 2006 में आया था और ये मूवी है 2007 की, और मूवी में भी ये फ्लैशबैक का सीन चल रहा है, मतलब मेन बंदा यही था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया, पर ये बेचारा सनशाइन लेने के लिए लटक गया, इसलिए कोई जानता ही नहीं है कि इसने किया इंट्रोड्यूस। इस टेबल टेनिस के बॉल से उसकी टेबल टूट गई, और साफ पता चल रहा है कि इस टेबल के पैर किसी ने रस्सी से खींचे इस तरह, क्योंकि अगर रियल में टूटे होते तो अंदर वाली साइड पर गिरने चाहिए थे। यहाँ ये सब खड़े हैं तो रैंचो ने हाथ में ड्रोन पकड़ा हुआ है, पर जब ये साहब बैठते हैं तो ड्रोन तो वहाँ से गायब हो जाता है। आमिर पीछे भी कहीं नहीं पड़ा हुआ। अब लगता है कैमरामैन लोग उसी ड्रोन से शॉट लेने लग गए हैं। यहाँ जब रैंचो ड्रोन उड़ाकर ऊपर जा रहा है तो सब इस छोटे टीवी में देख रहे हैं, पर जब टीवी में नजर आता है कि सर महिंद्र सिंह जॉय लोबो लटके हुए हैं तो ये सिर्फ ये तीनों ही ऊपर आ रहे हैं भागे भागे जॉय को बचाने। सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है पर विकीपीडिया में जो लिस्ट है उस पर तो इंडिया 19 नंबर पर है। यहाँ रैंचो कहता है कि खाने के लिए पैसे नहीं बस यूनिफॉर्म की जरूरत होती है, पर अब इनके पास यूनिफॉर्म कैसे आया जो ये पगड़ियां पहनकर अंदर आ रहे हैं और वो भी डिट्टो सेम है बाकी सबकी पगड़ियों से, और अब इनके पास ये लिफाफा भी आ गया। यहाँ रैंचो जूतों की प्राइस पता करने के लिए पुदीने की चटनी फेंकता है उसके जूतों में तो $300 के शूज है। वाह भाई $300 के लेदर के जूते हैं तो फिर क्या टेंशन, इसे जाकर वॉश कर लेना। टेंशन तो हम जैसे लोगों को होती है जो 400 के जूते लेते हैं और वो भी बारिश में मेल्ट हो जाते हैं। यहाँ चतुर अभी टीचर्स डे के लिए स्पीच लिख रहा है और साथ ही फोन आ जाता है तो प्रिंट आउट लेकर चला जाता है, पर अभी तो इसने पूरी स्पीच लिखी नहीं थी तो प्रिंट आउट क्यों निकाल दिया भाई। और एंजन ने सिर्फ चमत्कार को एडिट करके प्रिंट निकाल लिया था, पर यहाँ तो ये स्पीच में धन को स्तन और पादम भी बोल रहा है। अपनी बहन की शादी की एल्बम देख रही है पर उनकी एल्बम भी ये रैंचो राजू और फरहान कैसे आ गए। आई मीन वो तो थे ही आउटसाइडर, तो किसी आउटसाइडर की पिक्चर कोई अपनी शादी की एल्बम में लगाता है क्या? यहाँ दूर से ऐसा लग रहा है जैसे रैंचो की दाढ़ी आ गई है लाइट लाइट, नहीं नहीं लग रहा है ना, पर जैसे कैमरा जूम मारता है तो एकदम चकाचक क्लीन शेव हो जाती है। यहाँ पेपर मिक्स करके भाग गए हैं कि इस प्रोफेसर को रोल नंबर कौन सा पता है, पर भाई ये बाहर किसी से भी पूछ लेते कि क्या है इनके रोल नंबर, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो रैंचो को जानते है ना उसके कामों से। और एक वायरस मूवी में काम था जो इन अंकल के भी लोग वायरस जैसी रख दी है। चतुर अभी उसी हाथ से सूसू कर रहा है और जब राजू उसके बिस्किट खाने लगता है तो यहाँ आकर पकड़ के कहता है हैंडमेड बिस्किट है स्पेशली फॉर मिस्टर फुनसुख वांगडू। अब यार आपके सूसू फ्लेवर में बिस्किट देगा वांगडू जी को, क्योंकि उसी सूसू वाले हाथों से पकड़ा ये सब कुछ। इस लोटे का ढक्कन तो फरहान ने कमोड में फेंक दिया था, पर जब फरहान और राजू जाते हैं तो अब रैंचो ने जो लोटा पकड़ा है अब उसका ढक्कन कहाँ से आ गया। और यार वैसे तो हमें पता चल गया है कि आमिर भैया का नाम रैंचो नहीं बल्कि छोटे है, पर मैं रैंचो यूज करूंगा क्योंकि ये भाई का सीन तो आगे आने वाला है नहीं तो उन्हें ही मैं रैंचो कहूंगा। यहाँ रैंचो कहता है कि सो नहीं पाती यार क्योंकि नाक बीच में आ जाती है। I mean, यार गिव दिस मैन अ मेडल। इसे ये नहीं पता कि चुम्मा लेते हुए नाक बीच में आती है या नहीं आती। तो यार जोनी भैया जो कि एक महान डॉक्टर और एक इंजीनियर है उनका तो पक्का नहीं पता होना इसे। I mean, इतने बड़े टैलेंटेड बंदे का सिर्फ इसे ही नहीं पता होना। और पिया की बहन रैंचो को नहीं जानती पर फिर भी उसका हाथ अपने पेट पर रखवा लेती है। नहीं नहीं मतलब कौन करता है ऐसा, एक्सप्लेन अस प्लीज। और जब ये सब पिया के घर से भागते हैं तो वायरस कहता है सिक्योरिटी उस तरफ, पर जब ये अंदर घुस रहे थे घर के तो तब सिक्योरिटी का मैंगो गई हुई थी। नहीं नहीं यार आई मीन ऐसी सिक्योरिटी का रीजन क्या है कि चोर चोरी करके कल्टी भी मार गया। और जब ये तीनों इस रूम में आते हैं तो पीछे से सिक्योरिटी गार्ड भी आता है और सिक्योरिटी गार्ड ऐसे देख के चला जाता है, पर भाई इसने देखा भी है कि रूम का दरवाजा खुला है, इसका मतलब अंदर तो कोई आया होगा ना, और यहाँ से वो किसी और दरवाजे से जा नहीं सकते तो एक बार लाइट चला के उन्हें ढूंढ ही ले। पर ये सही सिक्योरिटी गार्ड है चोरों को छोड़ कर चला गया। राजू ऑफिस से कूद गया तो रैंचो एम्बुलेंस के आगे से गाड़ियां साइड पर करवा रहा है, पर यार ये तो टाइम और वेस्ट कर रहा है क्योंकि एम्बुलेंस की स्पीड भी इसने स्लो की हुई आगे आकर, नहीं तो ये एम्बुलेंस स्कूटर से तो जल्दी पहुंच जाती ना। इसी में राजू कहता है कि मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा और तुझे घर छोड़ दूंगा, तो फरहान घर जाता है और राजू मैक्सिमम 10 मिनट का इंटरव्यू देता है और जब बाहर आ रहा होता है तो उसे फरहान लेकर आ रहा होता है। मतलब फरहान अपने घर से 10-15 मिनट में वापस भी आ गया। आई मीन यार इतना ही पास घर था उसका तो फिर ये हॉस्टल में क्यूँ रहता था। और ये अंकल कह रहे हैं कि राजू के मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर है, फिर भी बस एक सच बोलने पर राजू को इन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब यार ऐसा कोई रियल लाइफ में करे ना तो किक्के मार के बाहर निकाल दे उसे कि ग्रेड देखो इसके, और एटीट्यूड कबीर सिंह जैसा किया हुआ है। भाई लोग राजू की टांगे गौर से देख लो और आज से एक चीज का प्रॉमिस कर लो खुद से कि जिम में लेग डे नहीं छोड़ोगे। अब ये पिया की शादी में आए हैं तो सीधा पिया के रूम में ही आ गया फरहान, जैसे इसे पता था कि पिया कहाँ है। और ये गधा तो रूम में है, पर जब इसे पता चलता है कि नीचे पिया की शादी हो रही है तो ये फ्रंट डोर से आ रहा है, फिर पिया भागती भी फ्रंट डोर से ही है और वो गधा उसे रोकता भी नहीं जबकि वो वही खड़ा हुआ था पहले। अब यार ये लोग सुबह से निकले हुए हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, पर रोशनी खत्म ही नहीं हो रही। आई मीन जब ये लोग यहाँ पहुंचे थे तो कह रहे थे 6 घंटे का सफर है पिया के घर से, तो पिया को लेकर ये वापस यहाँ दोबारा आए तो 12 घंटे तो यहीं हो गए। और वैसे भी फरहान प्लेन से उतरा, राजू के घर गया, फिर चतुर से मिलने गया और फिर शिमला भी गए ये लोग। आई मीन इतनी जगहों पर गए हैं। के दिन है के मान ही नहीं रहा जाने का। रैंचो इस जगह पर है और इस साइड पर पानी ही पानी है, मतलब यहाँ से कोई भी नहीं आ सकता। पर जब रैंचो पिया के साथ पिया पिया ओ पिया पिया मतलब बातें कर रहा है तो फरहान इसके पीछे खड़ा होता है। अब वो वहाँ कैसे आया? और चितुर ने अपनी पैंट पर बेल्ट पहनी हुई है पर वो उस बेल्ट को खोलता भी नहीं है और ऐसे ही नीचे कर देता है पैंट। अब यार फिर इस बेल्ट का क्या सीन है जो बेल्ट खोली भी नहीं और पैंट नीचे चली गई। सो एंड पर हमें पता चलता है कि रैंचो नहीं बल्कि वांगडू है और लाइफ में रट्टा नहीं बल्कि काबिल बनो। एंड जैसे कि हमारे गुरु जॉन सिंह कहते हैं नेवर गिव अप। इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्मी सिंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। हाँ, बेल आइकन दबाना तो यार बिल्कुल भी ना भूलना। और हाँ, जिन्होंने पुरानी मिस्टेक ढूंढी है तो ये आपका सरप्राइज यार। क्योंकि इस वीडियो में सब न्यू ही मिस्टेक्स थी।